दोस्तों 1980 से 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से कई दिलों में अपना स्थान बनाया है। हिंदी सिनेमा में ऐसी अभिनेत्रियां भी हुई हैं जिन्होंने बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे पर भी काम किया है और दोनों जगह अपनी पहचान बनाई है। बॉलीवुड की इस चकाचौंध दुनिया में हर साल नए नए आर्टिस्ट बॉलीवुड में कुछ करने का सपना लेकर आते हैं, सपने को साकार कर सालों तक एक पहचान छोड़ जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया था, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी, बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के साथ काम भी किया। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अपनी अदाओं से जादू बिखेरने वाली अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर जी के बारे में। हिंदी सिनेमा में माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, दिव्या भारती जैसी दिग्गज अदाकाराओं के जमाने में अपनी अदाओं का जादू बिखेरने वाली शिल्पा का नाम आज भी बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है। बता दें कि शिल्पा एक फिल्म अभिनेत्री होने के अलावा एक टेलीविजन अभिनेत्री भी हैं, जो हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने अपने करियर के प्रारंभिक दिनों में अपने काम और खूबसूरती को लेकर खूब वाहवाही लूटी थी। तो दोस्तों आज हम हमारी इस वीडियो में करोड़ों दिलों की धड़कन रह चुकी शिल्पा के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके बेहतरीन करियर और निजी जीवन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 20 नवम्बर 1969 को मुंबई में हुआ था, जहाँ उनका अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ पालन पोषण हुआ। शिल्पा गोवा मूल के एक महाराष्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके हिंदी सिनेमा में काम पर नजर डाले तो इन्होंने विभिन्न फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन किया और मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्म खुदा गवाह में एक इंस्पेक्टर हिना रणवीर सेठी की भूमिका के लिए जाना जाता है। खुदा गवाह में प्रतिष्ठित अभिनेता अमिताभ बच्चन और दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी ने काम किया है। खुदा गवाह फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई थी, जो साल की एक हिट फिल्म हुई। शिल्पा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1989 की फिल्म भ्रष्टाचार से की थी, जिसमें उसने एक अंधी लड़की का रोल किया था। इस फिल्म की रिलीज से इनको खूब वाहवाही मिली थी और फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने सुपरस्टार अनिल कपूर के साथ 1990 में सुपरहिट फिल्म किशन कन्हैया में काम किया। इस फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके बाद वो एक और सुपरहिट फिल्म हम काम किया, इसका निर्देशन मुकुल आनंद ने किया और प्रमुख भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, दीपा साही, डैनी डेंजोंगपा, अनुपम खेर और कादर खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1991 में सबसे ज्यादा कमाई करने में दूसरे स्थान पर रही थी। इस फिल्म का एक गीत जुम्मा जुम्मा दे दे बहुत लोकप्रिय हुआ था। जुम्मा, जुम्मा दे दे। त्रिनेत्र मूवी में शिल्पा जी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया और इसके बाद शिल्पा ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ 9 से ज्यादा मूवी की और इसके अलावा वो सन 1990 में पाप की कीमत, गर्जना, योद्धा, खुदा गवाह, अपराधी, जीवन की शतरंज, प्रतीक्षा, पहचान, आखिरी चेतावनी, हम हैं बेमिसाल, जुआरी, गोपी किशन, गोपाला, बेवफा सनम, मृत्युदंड, जय हिंद, गज गामिनी जैसी कई अन्य सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें उनके बेहतरीन अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों साल 1993 में आई फिल्म आंखें तो आप सभी को याद ही होगी। हम उसी आंखें फिल्म की बात कर रहे हैं जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था। ये फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में चंद्रमुखी का किरदार एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने निभाया था, जो खूब पॉपुलर हुआ था, जो एक सीधी साधी लड़की का रोल था। शिल्पा ने शादी के बाद अभिनय छोड़ने का फैसला लिया और अपने परिवार को अपने काम से पहले रखा। बता दें कि उस समय की उनकी आखिरी फिल्म 2000 की गज कामिनी थी। ये फिल्म एमएफ हुसैन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नजीरुद्दीन शाह जैसे महान कलाकार मुख्य भूमिका में मौजूद थे, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। अपने फिल्मी करियर के चलते शिल्पा को कई उपाधियों से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें फिल्म खुदा गवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा था कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने फिल्में करना छोड़ दी हैं। इतने सालों मैं किसी सुपरस्टार से ना तो बात की और ना ही किसी से मिली हूँ। मैं अपने सादा जीवन में खुश हूँ। मैं अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहती हूँ और पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ।
इतने सालों के बाद वापस आने पर भी मुझे काम नहीं ढूंढना पड़ा, मुझे आसानी से सीरियल में काम मिल गया। उन्होंने लंदन में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हिंदी सिनेमा से 13 साल का अंतराल लिया और 2013 में मुंबई आने के बाद टेलीविजन पर वापसी की, जिसके चलते शिल्पा घरेलू सहायिकाओं के जीवन पर आधारित जी टीवी के नए शो एक मुट्ठी आसमान में नजर आई, जिसमें शिल्पा ने एक नौकरानी का किरदार निभाया और कल्पना नामक एक किरदार की मां के तौर पर नजर आई। इनके इस अलग किरदार को उनके प्रशंसकों की खूब सराहना मिली और उनके काम को बेहद पसंद किया गया और साथ ही अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें जी रिश्ते पुरस्कार भी मिला। लेकिन ये शो सन 2014 के अंत में समाप्त हो गया। मई 2017 से सितंबर 2018 तक वो कलर्स टीवी के धारावाहिक सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दिखाई दी। फरवरी 2020 में उन्होंने गन्स ऑफ बनारस में सहायक भूमिका निभाते हुए फिल्मों में वापसी की। वैसे इस फिल्म की शूटिंग साल 2014 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन किसी कारण से 6 साल के लिए विलंबित हो गई और 2020 में रिलीज हुई। बात करें इनकी फैमिली की तो शिल्पा के पिता का नाम नितिन शिरोडकर और मां का नाम वनीता शिरोडकर था। शिल्पा के पिता नितिन ने 1967-68 में बॉम्बे के लिए एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला, जिसमें बड़ौदा के साथ ड्रॉ में 2 विकेट लिए। बात करें शिल्पा की मां की तो वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। बता दें कि 18 जुलाई 2008 को हैदराबाद में उनका निधन हो गया। शिल्पा पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर की छोटी बहन है। शिल्पा और नम्रता ने मनोरंजन की दुनिया में एक साथ कदम रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि शिल्पा फिल्मों में आ गई और नम्रता मॉडलिंग में आ गई, और जब तक नम्रता फिल्मों में आई तब तक शिल्पा फिल्मों को अलविदा कह चुकी थी। नम्रता ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू से शादी की है। नम्रता ने 1958 में सलमान खान के साथ जब प्यार किसी से होता है से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। दूसरी ओर महेश बाबू ने 1999 में राजा कुमारुडू के साथ प्रसिद्ध होने से पहले एक युवा कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। साल 2000 में अपनी फिल्म वामसी के मुहूर्त में दोनों को पहली बार एक दूसरे के बारे में पता चला। हालांकि उन्होंने उस समय अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन ये उनके लिए पहली नजर का प्यार था। वामसी के सेट पर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और जब तक फिल्म का निर्माण समाप्त हुआ तब तक कथित तौर पर दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी और दोनों ने घर वालों की मंजूरी के साथ शादी कर ली। महेश और नम्रता के एक बेटा और एक बेटी भी है। इनके बेटे का नाम गौतम कृष्ण घट्टामनेनी है और बेटी का नाम सितारा घट्टामनेनी है। सितारा का जन्म 20 जुलाई सन 2012 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर वो कुछ मजेदार चीजें जैसे गेम, चुनौतियां, DIY, शिल्प, पेंटिंग और बहुत कुछ साझा करती रहती हैं। वहीं बात करें इनके बेटे गौतम की तो गौतम बाल कलाकार के रूप में अपने पिता महेश बाबू की फिल्म एक नैनो कद्दानी ने से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। शिल्पा प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर की पोत्री हैं, जिन्होंने साल 1938 की ब्रह्मचारी नामक मराठी फिल्म में बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया था। शिल्पा ने यूके के एक बैंकर अपरेश रंजित से 11 जुलाई 2000 में मुंबई में विवाह रचाया। सन 2003 में उन्होंने एक पुत्री अनुष्का को जन्म दिया। अभी वो 52 साल की हो गई हैं। हिंदी सिनेमा में उनका एक्टिंग और अदाकारी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उनके फिल्मों के गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। इन दिनों मुंबई में अपने पति और बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। साथ ही अच्छा काम मिलने पर हिंदी सिनेमा में काम करने में भी दिलचस्पी रखती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।